एमपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। प्रदेश में खूब तेजी से दौड़ रहा है मामा का बुलडोजर। माफिया या रसूखदार बुलडोजर जो है उनके अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन 17 में चर्चा इस बात की हो गई कि बीजेपी नेता को भी नहीं छोड़ा प्रशासन ने, बीजेपी नेता के अतिक्रमण पर चल गया मामा का बुलडोजर। कौन बीजेपी नेता है आपको बता दूं, सतना में बीजेपी के नेता है मनसुख पटेल, जिन्हें उमा भारती का करीबी नेता माना जाता है, उमा भारती का कट्टर समर्थक माना जाता है। कृपालपुरा जगह है सतना में, जहां पर इन्होंने प्लाटिंग का काम कर रखा है और 10 से 11 एकड़ की ये जगह है। प्रशासन के जो अवैध कॉलोनी को देखने वाला विभाग है उसे सूचना मिली, नगर निगम ने एक्शन ले लिया और जो प्लॉटिंग के लिए 10 से 11 एकड़ की जमीन, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी नेता की, इसको अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। करोड़ों की ये जमीन प्रशासन बता रहा है जिसको कब्जे से मुक्त करा दिया गया है। यहाँ पर प्रशासन ने नोटिस भी दिया और आपको बता दूं कि जहां पर ये प्लॉटिंग की गई है वहां पर 3 मकान भी बने हुए हैं। तो 2 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया, जमींदोज कर दिया गया जो अवैध निर्माण किया गया था। इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के इंचार्ज हैं वो बता रहे हैं किस तरह एक्शन लिया गया, सुनिए। ये 10 से 11 एकड़ आराजी है और मनसुख पटेल वगैरह जिसमें वो लोग भी पार्टनर होंगे, हमारी अवैध कानूनी शाखा द्वारा इनके सबको नोटिस जारी की गई है। आयुक्त महोदय के निर्देश पर आज ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 मकान बने थे, 2 मकान विजय मुरारका के नाम से थे, 1 संजय तिवारी का। तो हम लोग 2 मकान डैमेज कर चुके हैं, तीसरे में काम चल रहा है। और भूमाफिया रोड अपने से पूरी रोड उखाड़ लिया था, जो शेष रह गई थी जहाँ नए वो भरी थी उसको हमारी 3 मशीनें और लगी हुई हैं, तो उसको उखाड़ने का काम चल रहा है, लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश हैं कि जो भी अवैध कॉलोनी हो या अवैध भवन हो, सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई जारी रखें। तो जब वहाँ से निर्देश ये हो जाएंगे कि अब बंद तो बंद हो जाएगा, नहीं तो लगातार जारी है। सुना आपने, बता रहे हैं कि मनसुख पटेल हैं जिनका ये प्लॉटिंग का काम है, यहाँ पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी और अवैध कॉलोनी बनने की बात आई थी, और ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन का बुलडोजर जो है रुकेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से आदेश है एमपी में इस तरीके के कि अवैध कब्जा करने वाला कोई भी शख्स हो या अवैध जमीन पर जिसने कब्जा कर रखा हो, जमीन को मुक्त कराया जाए। क्योंकि सरकार भी कह रही है कि करोड़ों की जमीन अब तक हम मुक्त करा चुके हैं, लेकिन सतना जिले में इस कार्रवाई की चर्चा इसलिए होने लगी कि बीजेपी के बड़े नेता हैं। अब तक सवाल उठ रहा था कि मामा का बुलडोजर क्या उन लोगों पर चल रहा है जिनका कोई राजनीतिक रसूख नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बीजेपी के बड़े नेता है मनसुख पटेल, इनके जो अवैध प्लॉटिंग थी उस पर भी मामा का बुलडोजर चल गया, अब इसी कार्रवाई की चर्चा होने लगी। सतना से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता योगी तारा ने, आप लिख रहे हैं अभी तक।